द रियलिटी ऑफ स्मार्ट मीटर। एक्चुअली स्मार्ट मीटर है क्या और यह कैसे काम करता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्मार्ट मीटर एंड ए नॉर्मल मीटर? आखिर स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में अंतर क्या है? डार्क इम्पैक्ट ऑफ ए स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर का नकारात्मक प्रभाव क्या है? डीप बेनिफिट्स ऑफ ए स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर का गहरा लाभ क्या है? क्या स्मार्ट मीटर हम सभी को लगवाना चाहिए या नहीं? ये सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में हम आपको दूर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो गाइस, स्मार्ट मीटर एक प्रकार का डिजिटल मीटर है जो कि मोबाइल में लगने वाली सिम की तरह ही एक तरह की चिप के द्वारा उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मोबाइल के ही जैसे पोस्टपेड एंड प्रीपेड होता है, जिसमें कि आपको रिचार्ज कराने पर ही बिजली दी जाएगी। इस स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब आप अपने चिप में रिचार्ज करवाएंगे तो यह अनिवार्य रूप से बिजली आपूर्ति को चालू रखेगी, बट फिर जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो एक अलार्म के तौर पर भेजने लगेगी और बिजली आपूर्ति अपने आप बंद हो जाएगी। आपको बता दूं कि इसमें बिजली कंज्यूमर अपनी मनपसंद कंपनी को चुनने का भी अधिकार रख सकता है, जिसमें कि वह रिचार्ज कराकर बिजली का उपयोग कर सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्मार्ट मीटर योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी बिजली चोरियां हो रही है उन्हें स्मार्ट मीटर योजना के अंतर्गत रोका जा सके, जिससे कि बिजली की चोरियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। स्मार्ट मीटर एंड नॉर्मल मीटर डिफरेंस। आखिर स्मार्ट मीटर और सामान्य मीटर में अंतर क्या है? नंबर ए, डाटा कम्युनिकेशन, डेटा संचार। यह रियल टाइम में बिजली की खपत का डाटा इकट्ठा करता है और इसे वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से तुरंत एनर्जी प्रोवाइडर्स को भेजता है। और वही नॉर्मल मीटर मैनुअल रूप से पढ़ने की नीड्स होती है और डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं होती है। नंबर बी, एक्यूरेसी एंड कॉन्वेनियंस, सटीकता और सुविधा। स्मार्ट मीटर सटीक और स्वचालित रूप से डेटा रिकॉर्ड करता है, जिससे बिलिंग में गलती की संभावना कम होती है एंड इसे दूर से रीड किया जा सकता है। और वही नॉर्मल मीटर में रीडिंग ह्यूमन एरर हो सकती है और इसे नियमित रूप से मैनुअल रूप से पढ़ा जा सकता है। नंबर सी, फीचर्स। स्मार्ट मीटर में ऊर्जा की खपत की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन समय समय पर डेटा अपडेट करता है और कभी कभी ऊर्जा बचत के सुझाव जैसे सुविधाएं प्रोवाइड करती है। और वही नॉर्मल मीटर में केवल टोटल ऊर्जा की खपत की डेटा प्रोवाइड करती है। नंबर डी, सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग, सुरक्षा और निगरानी। स्मार्ट मीटर में बिलिंग और निगरानी की बेहतर सुविधाएं होती है, जिससे संभावित समस्याओं की पहचान जल्दी की जा सकती है। और वही नॉर्मल मीटर में निगरानी की लिमिटेड सुविधाएं होती है और कोई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते हैं। नंबर ई, कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन, लागत और स्थापना। स्मार्ट मीटर आमतौर पर महंगा होता है और इसे स्थापित करने के लिए टेक्निकल वर्क की आवश्यकताएं होती है। और वही नॉर्मल मीटर लागत में सस्ता होता है और वह इसकी स्थापना रिलेटिवली सिंपल होती है। इन वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट मीटर अधिक एडवांस्ड एंड वन मेंटेनेंट होते हैं, जबकि नॉर्मल मीटर ट्रेडिशनल एंड लो कॉस्ट वाले होते हैं। और वही बात किया जाए डार्क इम्पैक्ट ऑफ स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर का नकारात्मक प्रभाव क्या है? नंबर ए, क्रिएट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का खतरा। स्मार्ट मीटर घरों में बिजली की खपत की डिटेल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, जिससे पर्सनल जीवन की जानकारी और आदतें उजागर हो सकती है। नंबर बी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि स्वास्थ्य समस्याएं। स्मार्ट मीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF सिग्नल का उपयोग करते हैं, जिससे कुछ लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि सिर दर्द, नींद में बाधा और अन्य लक्षण महसूस हो सकते हैं। नंबर सी, सिक्योरिटी रिस्क, सुरक्षा जोखिम। स्मार्ट मीटर हैकिंग के लिए संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे डेटा की चोरी या अन्य साइबर सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर डी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव। स्मार्ट मीटर की लागत ग्राहकों को बिलों के रूप में अल्टीमेटली चुकानी पड़ती है और कुछ मामलों में बिजली की रेट्स भी अफेक्टेड हो सकती है। इन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट मीटर का यूज करते समय इन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन खोजने की नीड्स होती है। और वही बात किया जाए डीप बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर का गहरा लाभ क्या है? नंबर ए, एक्यूरेट बिलिंग। स्मार्ट मीटर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे बिजली की खपत के अनुसार एक्यूरेट बिलिंग होती है और ह्यूमन एरर्स की संभावनाएं कम होती है। नंबर बी, रीडिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से रीडिंग करना। इन्हें दूर से भी पढ़ा जा सकता है, जिससे मीटर रीडर को घर पर आने की आवश्यकताएं नहीं होती है और समय की बचत होती है। नंबर सी, एनर्जी मॉनिटरिंग, ऊर्जा की निगरानी। स्मार्ट मीटर यूजर्स को अपनी ऊर्जा की खपत पर नजर रखने में मदद करते हैं, जिससे वे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। नंबर डी, टाइम टू टाइम्स अपडेट्स, समय समय पर अपडेट्स, यानी कि यूजर्स को ऊर्जा खपत की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती है, जिससे वे अपने उपयोग को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्मार्ट मीटर एंड नॉर्मल मीटर के बारे में। तो अब बात रही क्या स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए या नहीं। यदि आप ऊर्जा की खपत को बेहतर ढंग से मैनेज करना चाहते हैं और एडवांस लेवल का फीचर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्मार्ट मीटर लगवाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
बट यदि आप प्राइवेसी या हेल्थ रिलेटेड चिंताओं से चिंतित हैं तो सामान्य मीटर भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो गाइस आई होप मेरे द्वारा किया गया एक्सप्लेन अबाउट स्मार्ट मीटर एंड नॉर्मल मीटर शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।